तो मेरे पास ये शीट्स पे डेटा है, मैं सारे डेटा को एक के नीचे कुलेट करना चाहता हूँ वीवीए के थ्रू। कैसे करूँ? तो चलिए इसके लिए हम आपके सामने एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उस प्रोग्राम में हम आपको छोटा सा चेंजिंग करने के लिए देंगे ताकि आप उसको चेंज कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, सब्जेक्ट देते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है शीट्स, पहले शीट्स पे शीट वन डॉट सेलेक्ट, तो शीट वन पे चला जाएगा। फिर हमें ए वन से कंट्रोल ए करके पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, तो रेंज ए वन और कंट्रोल ए का जो होता है वो करंट रीजन होता है, तो करंट रीजन डॉट सेलेक्ट। सिलेक्शन को कॉपी करना है, सिलेक्शन डॉट कॉपी। उसके बाद फिर वापस, अब मान लीजिए हमारे पास एक डेटा शीट है, सबसे लास्ट में, मैं सबसे लास्ट में रखता था डेटा शीट। सबसे लास्ट में आना है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि पहले से कोई डेटा हो तो मुझे सबसे लास्ट में जाना है। तो आपको मैंने सिखाया था सिलेक्शन मेथड में कि हम रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट, और यहां पे हम करेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि पेस्ट जो है वो सीट का पार्ट। मैं इस बार एक बार इसको रन करके दिखाता हूं। तो आपने देखा यहां इसी पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि हम डेटा शीट पे जाने का कोड ही नहीं डाले थे। तो सिलेक्शन के बाद हमें शीट्स डेटा पे जाना है, द डेटा डॉट सेलेक्ट। अब क्या होगा, अब इसको प्ले करता हूं, अब देखेंगे कि डेटा शीट पे डेटा को पेस्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि सिर्फ एक शीट को पेस्ट किया है, तो अगर मैं इसी कोड को नीचे डाल दू, कॉपी नीचे पेस्ट कर दिया, और इस वन को मैं टू कर देता हूं, अब दो शीट का डेटा, मैं पहला शीट और दूसरा शीट, इन दोनों शीट का डेटा डेटा शीट पे पेस्ट करें। पेस्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अभी कोड समझ में आ गया आपको सर, डाउट इस कोड में? नहीं सर। नहीं है कोई डाउट? चलिए तो अब इस कोड को हमें बार बार रन करना है। तो कैसे हम बार बार रन करें? लूप लगाना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, लूप लगाना पड़ेगा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या हेलो। सुन पा रहे मुझे आप? हाँ सर, अब आ गई। तो इसमें हम लूप लगाएंगे, हम लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू, चले 1 2, बट 1 2 कितना, 6, लेकिन 6 से 7 भी तो हो सकता है। तो यहां पे हम देते हैं शीट्स डॉट काउंट, -1 कर दिया, क्योंकि काउंट में तो फिर 8 शीट 7 शीट आ जाएंगे, डेटा को भी कंसीडर कर लेगा ना। अब मैं यहां डेटा को कंसीडर नहीं करना चाहता, तो यहां पे हमने -1 कर दिया। और फिर नेक्स्ट
और ये जो हमने वन दिया हुआ है इसको हमें आई कर देता है। अब मैं इस मैक्रो को रन करता हूं यहां से, देखा सारा डेटा कोई पेस्ट हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हेडिंग आ रहा है, ये हेडिंग नहीं आना चाहिए, हमने हेडिंग मैनुअली डाल दिया। तो क्या होता है जब हम डेटा कॉपी करके जब हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा एक्टिव सेल क्या है, A2 है, मतलब कि जो हेडिंग है वही हमारा एक्टिव सेल है। तो क्यों ना इस एक्टिव सेल को डिलीट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ एक्टिव यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है। अब जब रन होगा तो पूरा का पूरा रो को डिलीट कर देगा, तो हेडिंग नहीं आएगी। अब इसमें एक चीज हो गई, अब क्या है कि इसमें कुछ कोड अननेसेसरी भी है, हम कुछ लाइन को कम कर सकते हैं। जैसे कि यहां सीट A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट आ रहा ना सर, एक copy. तो हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्शन डॉट कॉपी की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने यहां पे पेस्ट दिया हुआ एक्टिव सी डॉट पेस्ट, हम यहां सिलेक्ट के जगह पे डायरेक्ट जो है पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। और भी मजेदार बात है कि हम सीट डॉट आई को भी हम यहां पे कॉपी करके लिख सकते हैं, सिलेक्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या हम कॉपी कर सकते थे, क्या पेस्ट भी कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। इसका आगे सीट डॉट डेटा लगा दीजिए तो हम पेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिर आपको यहां पे, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कर लीजिएगा तो क्या होगा, फिर डिलीट वाला ऑप्शंस वर्क नहीं करेगा। सो यहां सीट डॉट सिलेक्ट को रहने दीजिए, क्योंकि एक्टिव सेल डॉट एंटायर सीट को डिलीट भी तो करना है। तो देखिए हमने कितना लाइन कम कर दिया। अगर ये हेडिंग डिलीट करने वाला पार्ट नहीं होता तो हम इसको दो लाइनों में भी कवर कर सकते थे। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि एरर तो नहीं है, गलत तो कर दिया आपने कुछ नहीं, कोई गलत नहीं है। ओके, अब इस कोड आपने क्या हुआ कि कोड लिखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम दो तीन स्टेप्स को एक से एक स्टेप में भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर अभी किया है। एक बार और रन करेंगे, बीच में हेडिंग सी आई थी। नहीं, हेडिंग्स नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग को डिलीट किया हुआ है ना। ओके, हो सकता है फिर स्लो रहा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी जो मैक्रो बनाया हुआ है उसमें हमारा जो डेटा सीट है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। अगर डेटा सीट लास्ट में नहीं, अगर बीच में हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? कि हमने यहां पे बोला हुआ है कि डेटा कॉपी करने के लिए, हमने नहीं बोला हुआ है कि डेटा में से डेटा कॉपी नहीं करना है। हमने बोला हुआ है कि हर एक सीट, मतलब जितना भी सीट्स की काउंट है उसमें से एक कम में एक लास्ट वाला छोड़ के सबसे डेटा कॉपी करो, क्योंकि अगर बीच में होगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहां पे वन को हटा देते, लेकिन हटाने से पहले मुझे यह कंडीशन देना होगा कि इफ स्टेट्स आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा, यहां पे हम तो पूरी कंडीशन पूरी अपनी जो भी था परफॉर्मेंस था उसको हमने डाल दिया इसके अंदर कि इफ जिस सीट पे डेटा कॉपी करने जा रहा है उस सीट का नाम डेटा नहीं हुआ देन कॉपी करना है। ऊपर जो हमने माइनस किया उसको हमने हटा दिया। अब मेरा परफेक्ट हो गया। देर है सर आप लोगों को? जी प्रवीण जी, गुड आउट इसमें।
इसमें अब इस कोड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको क्या करना है कि ऐसे एक डेटा बनाना है छोटा सा, मुझे यहाँ छोटा सा चेंजिंग करना है कि अभी क्या है कि हमने डेटा इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन फ्यूचर में मुझे डेटा सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना हुआ तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये है ही नहीं कि किसका डेटा है। हमारे पास यहाँ पे सीट हम कॉलम ऐड करते हैं, तो मेरे माइक्रो में कोडिंग क्या करना है कि डेटा को कॉपी कर सीट पे जाए, पेस्ट नेम वाले हेडिंग को डिलीट करे, और इसमें सीट वन से डेटा को कॉपी किया है तो इस पूरे एरिया में जो है सीट वन, समझे? प्रदीप जी, विजय जी, समझ में आया आपको? हेलो, हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका आंसर भी समझ में आएगा। फटाफट इसका आंसर निकालिए और मुझे अभी भेजिए, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं होगा ऑफिस के काम से। सो अभी आपके पास आधा घंटा है, फटाफट बैठिए और इसको कीजिए। मैं एक्सपेक्ट करूं कि आज मुझे मिल जाएगा। हेलो सर। ओके, कीजिए और भेजिए।